इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख। आगामी नगर निकाय चुनाव के संबंध में पुलिस अधीक्षक नीरज जादौन बिजनौर द्वारा जिला बिजनौर के नूरपुर क्षेत्र में मतदान स्थल का निरीक्षण किया गया। आपको बताते चले कि आगामी 4 मई को नगर निकाय चुनाव होने हैं। इसके संबंध में पुलिस अधीक्षक द्वारा वह उप जिलाधिकारी सीओ चांदपुर व थाना अध्यक्ष नूरपुर द्वारा मतदान स्थलों का निरीक्षण किया गया। आइए दिखाते हैं क्या कहा एसपी पुलिस अधीक्षक बिजनौर नीरज जादौ ने चुनाव स्थल के विषय में। इंडियन टीवी न्यूज से ब्यूरो चीफ मयंक यादव की रिपोर्ट। बूथों का निरीक्षण किया है, क्या है पूरा मामला? ये नूरपुर में एक ज्वाइंट पेट्रोलिंग की गई है। नूरपुर कस्बे में एसडीएम साहब द्वारा, सीओ साहब द्वारा ज्वाइंट पेट्रोलिंग, साथ ही साथ जितने यहाँ पे मतदान केंद्र हैं, संवेदनशील, अति संवेदनशील प्लस और अन्य जो मतदान केंद्र जो घनी आबादी में, उनका निरीक्षण किया गया और उनके रास्तों को देखा गया है, जिससे कि हमारी पोलिंग पार्टी सुरक्षित पहुँच जाए वहाँ पर। साथ ही साथ यहाँ पर जो मिश्रित आबादी है या संवेदनशील इलाके हैं, वहाँ पर जनता में एक विश्वास जागृत करने का प्रयास किया गया है कि चुनाव एकदम निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से होगा, वो अपना निर्भीकता से वोट डालें बिना किसी भय के। चुनाव को लेकर क्या सुरक्षा के इंतजाम किए? चुनाव को लेकर आपको दिख ही रहा है कि कैमरे हम लोगों ने लगवाए, काफ़ी एसडीएम साहब और सीए साहब ने काफ़ी मेहनत की है, यहाँ पे नई जगह पे कैमरे लगाए गए। साथ ही साथ थानों में, स्पेशली चांदपुर और नूरपुर में थानों में कंट्रोल रूम सेटअप किया जा रहा है, उसमें उनकी डायरेक्ट फीड जाएगी, साथ ही साथ मोबाइल पर भी उनकी लोकेशन दी जा सकती है। इसके साथ ही साथ जो हमारी फोर्सेज आएंगी, बाहर से फोर्सेज आएंगी, वो भी आप उनका डिप्लॉयमेंट 3 तारीख से देखोगे, 3 और 4 तारीख को। साथ ही साथ जो बॉर्डर हमारे चेक पोस्ट हैं, जो यहाँ से हमारा बॉर्डर अमरोहा का लगेगा, काफ़ी हद तक मुरादाबाद का लगेगा, उनके भी हम चेकिंग करवाएंगे। चेकिंग पॉइंट चिन्हित किए हैं ऑलमोस्ट पूरे जनपद में, 12+15 27 ऐसे बॉर्डर चेकिंग पॉइंट हैं, यहाँ पर चेकिंग कराएंगे। ठीक, थैंक यू। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।